सत श्री अकाल जी सारिया नू मनीला पंजाबी किचन में तुहाडा स्वागत है जी। अज आपां बना रहे हैं गुड़ वालियां मठियां। आ देखो जी, सब तो पहले तो मैं आटा लिया 500 कणक का आटा, 500 ग्राम आ जी कणक का आटा अद्धी किलो, तो 250 ग्राम ही मैं गुड़ लिया। इनू मैं घोल लिया सी चंगी तरह, घोल के एक तैयार कर लिया, मैं सिरप तैयार कर लिया एक घोल के। आटे के आप सब तो पहले आप मोइन पावे, तुम घ्यो का पा सकते हो, तेल का भी पा सकते हो, जो भी थोनों तुसी पाना पा सकते। आप 120 ml मोइन पावे अद्धी किलो आटे, तो इन फिर आप चंगी तरह गर्म तेल का मोइन पाया मैं इनू। पहले तो आप जिमें चम्मच न रला के फिर आप हाथ न रलावे। देखो इस तरह का अपना आटा हो जाना चाहिए जो आप मोइन पाता, उस बाद बस फिर अपना आटा परफेक्ट आ। तो जिहड़ा हुण आपां गुड़ वाला बनाया सी पानी उहदे नाल हुण आपां इहनूं गुन्नांगे। तो ये आप इस तरह का आटा गुन्नना जिमें कि जां तां ना तां सख्त होना चाहिए तो ना ही अपने भी लूज़ होना चाहिए आटा ज़्यादा, तो मीडियम जिहा गुन्नना, क्योंकि इहने बाद च भी फिर थोड़ा सख्त हो जाणा हुंदा। जिमें जदों आपां गुड़ नाल आटा गुन्नदे ना, थोड़ा जिहा बाद च सख्त हो जाता हुंदा। बस इस तरह दी आपां मीडियम जिही रखना, तो फिर अपने बहुत सोहणियां पूरियां परफेक्ट मठियां बणनगियां। आ दो जी, ये अपना आटा गुन के आप तैयार कर लिया, तो हुण आप बनावे ये मठियां बनाउणियां स्टार्ट करते हैं। तो उन्हें दसते हैं भी वो किदां दे रखणियां ने, आप बोटियां पतलियां जिस तरह दियां भी आप बनावे थोड़ी जरूर दिखावे भी इस तरह दी होने चाहीदियां ने। तो पेड़ा आप एक बना लिया, तो ये बहुत आसान ने, तो छेती बन जांदियां ने, क्योंकि इन्हां नूं इहदा ना आप ज़्यादा पतला नहीं करना हुंदा। देखो जी इस तरह की अपनी रोटी चाहीदी आ, तो इस तरह के बस आप ये पीसिस कट लेने ने, जोड़े भी शेप के तुसी कटने ने वो थोड़ी मर्जी है भी तुसी किस किस तरह के पीसिस चाहिए थोनू। तो बहुत छेती बन के अपनी रेसिपी तैयार हो जूगी जी। तो जेकर तुसी मेरे चैनल पर नवे हो तो प्लीज़ सबसक्राइब जरूर करके जायो, तो चैनल में लाइक शेयर जरूर करो, वध तो वध शेयर करो जी। तो जब मेरी वीडियो तुसी देखते हो तुहानू वधिया लगदी तां मैनू कॉमेंट करके जरूर दस्या करो कि थोनू मेरी रेसिपी किदां दी लगी। तैयार लगे देखो जी, आप शेप च कट्टिया ने अपनी मठियां बन के तैयार ने, तो हुण आपां फ्राई कर रहे हैं। जो आप फ्राई करांगे ना, अपना तेल मीडियम ते होना चाहिए भी, आप मीडियम टू जिमें स्लो इस तरह ही आप पकावे, हाई नहीं, हाई तो नहीं पकावे, तो हाई तो फिर बिचों कच्चियां रह जांदियां ने, तो आप पाउणा भी इन्हां नूं इस तरह तेल च कलियां कलियां करके, तो नहीं तो फिर जुड़ जांदियां ने। जे आप वाहवा सारिया कट्ठिया पा देंगे तो फिर कई बार जुड़ जांदियां ने, तो इस तरह ज़्यादा वधिया रहिंदा, तो नाले सिकदियां बहुत वधिया ने, इस तरह बहुत वधिया बनदियां ने। बस आप हल्के हथ नाल हिलावांगे इन्हां नूं, तो बाली छेती आप इन्हों हिलाना भी नहीं है भी आप मठियां पातियां तो तेल दे विच आप बहुत छेती इन्हां नूं हिलाना उदा भी नहीं करना, फिर भी इन्हां नूं 5-6 मिनट लग जांदे आ बनन नूं, तो आप स्लो ती पकावांगे। जे ते आप लोड़ पवे तो मीडियम जिवें करना, पर हाई ते नहीं करांगे गैस नूं। तो आ देखो जी बहुत सोहनिया मठिया बन के तैयार हुई ने, तो जे हुण त्यौहारां दा टाइम आ तुसीं घर जरूर बनायो, घर दीआं चीज़ां दी कोई रीस नहीं हैगी, चाहे आपां जिन्नियां भी बाज़ार तों ले आईए पर जो घर बनदी आ जी उहदे वर्गी कोई रीस नहीं हुंदी। आ देखो जी बहुत सोहनिया मठियां बनियां ने, बहुत छेती बनन वाली रैसपी, बहुत आसान आ, तुसीं जरूर बनायो। देखो बहुत वधिया बनियां ने, इस ये मेजरमेंट नाल बनाओगे बहुत वधिया बनणगियां। तो मैनू भी कॉमेंट करके जरूर दस्यो कि तुहानू मेरी रैसपी किदां लगी, तो मिलांगे कि आपां नवीं रैसपी दे नाल। वीडियो देखने लई बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा जी, सबसक्राइब करके जरूर जाइओ चैनल नू, लाइक शेयर जरूर करियो जी, बहुत बहुत थैंक यू तुहाडा।